हो गया, अपने करियर के ड्रीम को पूरा करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप आज ले लिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम एंथे यानी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम आ रहा है 100% स्कॉलरशिप लेकर। एंथे IITs और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस पाने का सबसे बड़ा गेटवे है। माना कि इस बार थोड़े चैलेंजेस हैं, पर सक्सेस किसी का वेट नहीं करती। और हाँ, इस बार तो एंथे ऑनलाइन भी है, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। एंथे, सपनों से सक्सेस तक जाने का गेटवे। रजिस्टर नाउ। मैंने तो एनरोल कर लिया है, और आपने? दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, तीनों काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, तीनों काले कानून वापिस लो, वापिस लो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये बिल्कुल ही तीनों जो ऑर्डिनेंस है वो काले कानून है, और किसान को बर्बाद, डेथ वारंट भी कह सकते हैं, किसान को बर्बाद करने वाले हैं। और इसके लिए जितना किसानों का हम साथ दे सकते हैं उतना हम साथ देंगे मरते दम तक। ये चौधरी देवीलाल एक जमीन से जुड़े हुए और किसान नेता थे। अगर आज चौधरी देवीलाल होते तो वो इस्तीफा देने में एक सेकंड नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद उसको भी ठुकरा दिया था। तो ये तो उनका फर्ज बनता है, वो किसान का वोट लेके बने हैं, बीजेपी के तो उन्होंने खिलाफ वोट लिए। और दुष्यंत चौटाला कहता है भी किसानों को फसल बेचने से कोई नहीं रोकेगा हरियाणा में, तो पहले कौन रोकता था? मैं डिप्टी सीएम से ये पूछना चाहता हूँ भी, आप कह रहे हो भी किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, तो जब आप ये तीन काले कानून लाए थे इससे पहले कौन रोक रहा था आपको? किसान तो कहीं बेच सकता था पूरे भारत के अंदर, उन्होंने लागू तो कर ही दिए। ये किसान का एक डेथ वारंट इन्होंने जारी कर दिया, लेकिन जो आज लाखों किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं, शायद ये इतिहास का पहला बड़ा आंदोलन बन गया जो किसानों का आंदोलन है, और इसमें हर वर्ग साथ दे रहा है। आज जैसे ट्रक ऑपरेटर है, उन्होंने भी अपने जो व्हीकल है वो मतलब बंद कर दिए, और किसानों को अगर वो जाना चाहे दिल्ली तो वो मुफ्त मुहैया कराएंगे। टैक्सी चालकों ने भी कर दिया है, व्यापारियों ने भी कर दिया है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा भी ये जो आंदोलन है एक ऐसा रूप धारण करेगा कि मोदी सरकार के ये कील का काम करेगा अगर सरकार नहीं संभली तो। चौधरी देवीलाल एक किसान नेता थे, वो किसानों के बारे में सोचते थे। मैं तो यही कहूँगा दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर किसानों के हित, ये किसान के मतलब चौधरी देवीलाल के पोते हैं और किसान नेता है, तो किसान नेता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार से। अगर आगे सरकार में आना है तो किसान खिलाफ नहीं होंगे फिर, और गाँव छोटे कस्बों की पार्टी उनकी तरफ से इनको वोट मिलते हैं। किसान तो जी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, और ये आठ ये गांव में तो वाणियों से ही काम चलता है, सड़कों का तो वो नहीं होगा। किसान मनमर्जी का रेट लेगी, आज भी फसल तोड़ेगी, आज भी छोड़ देगी। नाम आनंद बिश्नोई, गांव चौटाला, तहसील डबल, जिला सिरसा। आज काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो तीन काले कानून जो लाए गए हैं उनके खिलाफ़ बहुत बड़ा किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ है। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? क्योंकि जो हमारे बिना मांगे जो हमारे को जो सरकार दे रही है वो हमारी ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरत के हमारे को जो हमारे पर थोपे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आज जो है किसान बहुत त्रस्त है, और आने वाले अपने जो पीढ़ी के लिए उसको दिखाई दे रहा है सामने कि वो हमारे को जो है जो नुकसान की श्रेणी में जा रहे हैं। सरकार अपने निजी फायदे के लिए या ये जो राजनीतिक रूप से जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए और पूंजीपति घरानों को अपनी फायदे देने के लिए ये काले कानून हमारे पे थोप रही है, तो हमारी इसी जो ये कानून जो लेके आई है सरकार ये पूरी की तरह से वापस होने चाहिए। और दूसरा जो है कि हमारी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है जो किसान की आज ज़रूरत है एमएसपी हमारी जैसे थी वैसे रहनी चाहिए, और जो एपीएमसी हमारा एक्ट है वो उसी तरह लागू रहना चाहिए। उसके समानांतर ये जो कहते हैं आज कह रहे हैं कि हमारी जो मंडियाँ होनी चाहिए हम आपको बराबर मंडी करके देंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम है वो मार्केट के थ्रू चल रहा है, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो बहुत ऐसे ना ये राजनीतिक हथकंडे होते हैं, वो सभी अपने सिस्टम से सरकार के ज़रूरत के हिसाब से अब वो चला रहे हैं, उनके साथ हो सकता है उनका जो उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो सरकार चला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि दुष्यंत से निवेदन है कि वो आप जो है आप अपने दादा की जो नीति है किसानों के साथ चलने की,
आप उसी को फॉलो करिए और इसी जो किसान विरोधी सरकार है उसके साथ आप वहाँ मतलब उसके साथ मत जाइए।